अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है न्यूट्रल एंड अर्थ डिफरेंस, यानी कि न्यूट्रल और अर्थ में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आपने बहुत ही जगह सुना होगा और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन भी होगा कि ये दोनों में डिफरेंसेस होते क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही सेम होते हैं। दोस्तों आप कैसे सेम होते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको न्यूट्रल और अर्थ सेम कैसे होता है इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक मैं एग्जांपल दूंगा। दोस्तों मेरे पास है कि ये पॉइंट मौजूद है जिसमें से हमारा एक फेस वायर और एक हमारा न्यूट्रल वायर मौजूद है और हमारा ये एक अर्थ यहाँ पे हमारा मौजूद है जिसे आप जमीन कह लें, या अर्थ यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। दोस्तों अब हमारे पास दोस्तों मेरे पास अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये मेरे पास एक फैन मौजूद है या फिर एक मोटर मौजूद है। तो दोस्तों ये मेरे पास यहाँ पर एक मोटर मौजूद है जिसमें से मेरा एक न्यूट्रल, ये वाला मेरा न्यूट्रल और ये वाला मेरे पास फेस मौजूद है। दोस्तों अब इसकी जो कनेक्शन है वो मैं फेस यहाँ पर कर देता हूँ और न्यूट्रल से न्यूट्रल, तो हमारा मोटर जो है वो रन होगा नहीं होगा। तो दोस्तों कॉमन सी बात है, हमारा जो मोटर है वो रन होगा। दोस्तों अब मान लीजिए मैं इस न्यूट्रल वायर को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से इसकी कनेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ, इस न्यूट्रल की जगह मैं इस अर्थ वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तब इस कंडीशन में हमारा जो मोटर है वो क्या होगा, रन होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों ये जो हमारा मोटर है वो बिल्कुल रन होगा क्योंकि हमारा जो ये अर्थिंग है ये इस न्यूट्रल से कनेक्ट रहता है। दोस्तों आपने बिजली के जितने भी पोल्स देखे होंगे जिस पर PMT लगा हुआ होता है वहाँ पर आपको एक वायर देखने को मिलता है जो पोल से एक डायरेक्ट अर्थ में कनेक्ट रहता है। दोस्तों हमारे इलाके में जितने भी हमारे एरिया में जितने भी पोल्स वगैरह हैं उस पर आपको इस तरीके का एक वायर देखने को मिलता है जो हमारे अर्थ से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों बेसिकली ये होता क्या है, दोस्तों ये हमारा यह न्यूट्रल वायर होता है जो हमारे अर्थ से हमेशा कनेक्ट रहता है। दोस्तों अब वो क्यों कनेक्ट रहता है उस पर भी मैं एक आपको डिटेल वीडियो बनाकर समझाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं कि हमारा ये अर्थ से कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों जब ये अर्थ से हमारा कनेक्ट रहता है तो हमारा जो ये न्यूट्रल वाला वायर है वो हमारे अर्थ में चले जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा न्यूट्रल और अर्थ दोनों सेम रह जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसे अर्थ से सप्लाई दे दें तो हमारा जो मोटर है वो रन तो करेगा, मगर इसमें कुछ ना कुछ जो हमारे वोल्टेज में डिफरेंसेस आ जाएंगे, करंट में डिफरेंसेस आ जाएंगे। वो क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल है वो हमें डायरेक्ट हमारे न्यूट्रल के मेन सोर्स से यानी न्यूट्रल पॉइंट से हमने नहीं कनेक्ट किया है, हमने इसे अर्थ से कनेक्ट कर लिया और हमारा जो अर्थ है वो न्यूट्रल से तो कनेक्ट है पर वो किसी ना किसी सोर्स से घूम कर हमारे पास आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ लॉसेज हो जाएंगे या फिर हमारा जो वोल्टेज है वो तेज भी हो सकता है और ड्रॉप भी हो सकता है। तो दोस्तों ये अर्थ और न्यूट्रल सेम है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये मेरे पास एक डायग्राम मौजूद है जिसमें से आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल मोटर मौजूद है और हमारा ये एक मेन जो मीटर लगा हुआ था वो मौजूद है। तो दोस्तों आपने पहले के दौर में सुना होगा कि बिजली की चोरी होती है, तो वो बिजली की चोरी कैसे होती थी हमारे जितने भी ओल्ड मीटर लगे हुए होते थे पहले, अब के दौर में तो वो मीटर्स नहीं आ रहे लेकिन हमारे जो पहले जितने भी मीटर लगे हुए होते थे उस पर एक रिंग टाइप की लगी हुई होती थी जो घूम रही होती थी, उस पर हमारी जो है बिजली की वो चोरी होती थी। तो दोस्तों वो बिजली की जो चोरी वो बेसिकली होती कैसे थी? तो दोस्तों मान लीजिए मेरे पास एक डायरेक्ट हमारा मेन सप्लाई जो हमारे मेन सोर्स से आ रहा है यानी कि हमारे डायरेक्ट पोल से आ रहा है जिसमें से एक मेरा न्यूट्रल और एक मेरा ये फेस वायर है। तो दोस्तों अब मेरा जो फेस वायर है वो डायरेक्ट इस मोटर पे कनेक्ट है और हमारा जो ये हमारा न्यूट्रल वायर है ये भी हमारे डायरेक्ट मोटर पे कनेक्ट है। इस कंडीशन पर क्या होगा, हमारा मोटर है वो रन होगा। तो दोस्तों अब जब मोटर हमारा रन होगा तो हमारे मोटर की जितने किलोवाट है उस हिसाब से हमारे मीटर भी यहाँ पे घूमने लगेगी। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि बिजली की चोरी होती है, अब वो कैसे होती थी? दोस्तों उसमें बेसिकली होता क्या था, हमारा जो ये न्यूट्रल वायर है इसे यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो अब हमारा मोटर जो है वो ऑफ हो गया, हमारा मीटर भी ऑफ हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक अर्थ मौजूद है यानी कि अर्थ का एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम इस बिजली को चोरी करने के लिए यहाँ पर क्या करते थे? दोस्तों हम जो है यहाँ से इस न्यूट्रल को हमने जो है डिस्कनेक्ट कर दिया और हम जो है इस न्यूट्रल को यहाँ से अर्थ के जरिए यहाँ पर न्यूट्रल दे रहे हैं तो तब हमारा मोटर रन हो रहा है। इस कंडीशन में भी हमारा मोटर रन हो रहा है लेकिन हमारे जो मीटर है वो यहाँ पर रुक जाती है, इसकी रीडिंग आना बंद हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जो पहले जो जितनी भी मीटर्स होती थी उसकी जो रीडिंग होती थी वो न्यूट्रल और अर्थ दोनों के ऊपर होती थी, यानी कि आप न्यूट्रल और अर्थ दोनों को ही जब तक इस मीटर से मेन कनेक्शन नहीं करेंगे, मेन सोर्स से यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी मीटर नहीं रन होगी और आपका जो यूनिट है वो नहीं आएगा। तो दोस्तों इसमें हमने एक पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो हमारी जो मीटर है वो रुक गई है क्योंकि हमारी मीटर न्यूट्रल और फेस दोनों के ऊपर यहाँ पर
काम करती थी, दोनों के ऊपर वर्क करती थी। तो हमने इसे डायरेक्ट यहाँ पर फेस का कनेक्शन लिया है और न्यूट्रल हमने यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर डायरेक्ट अर्थ से ले लिया। तो हमारी जो मोटर है वो रन हो रही है, लेकिन हमारा मीटर यहाँ पर रुक चुका है, तो हमारी रीडिंग नहीं आ रही है। तो दोस्तों अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हमने यहाँ पर न्यूट्रल ही क्यों ब्रेक किया है, फेस क्यों नहीं ब्रेक किया है, तो दोस्तों हमारे पास फेस का और दूसरा सोर्स नहीं है। हमारा जो फेस है वो डायरेक्ट हम मेन सोर्स से यानी कि पोल से ही ले सकते हैं, ये और दूसरी जगह से हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फेस को ब्रेक नहीं किया है। और चूंकि हमारा न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट पोल से कनेक्ट रहता है अर्थ के साथ, तो हमें यहाँ से अर्थ मिल सकता है, लेकिन हम फेस यहाँ से नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ से न्यूट्रल को ब्रेक किया है। यानी कि न्यूट्रल हमें अर्थ से मिल सकता है, लेकिन फेस नहीं मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूट्रल को ब्रेक किया है। और हमारा जो न्यूट्रल है वो हमने अर्थ की मदद से यहाँ पर लेकर हमने हमारे मोटर को रन करवा लिया है, और हमारा जो मीटर है वो रुक चुका है। तो इस तरीके से पहले के दौर में बिजली की चोरी होती थी, क्योंकि अब के दौर में जो वो जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारी जो मीटर है वो किसी भी एक वायर पर रन होती है। अगर आप इसमें से न्यूट्रल ले लें या फेस ले लें तब भी आपकी मीटर रन होगी। मान लीजिए अगर मैं अपने नए मीटर पर जो हमारे न्यू जितनी भी मीटर्स आ रही हैं उस पर मैं इस काम को करने की कोशिश करता हूँ, तो इस कंडीशन में हमारा जो मीटर है वो चलेगा। चाहे आप इसे यहां से न्यूट्रल को अर्थ के मदद से ले लें तब भी आपका मीटर रन रहेगा, क्योंकि आपका जो फेस वायर है इस पर कनेक्ट है, इसमें एक वायर भी आपका कनेक्ट रहेगा तो आपका जो मीटर है वो रन करेगा। अगर मान लीजिए आप न्यूट्रल यहां से ले लें, फेस कहीं और से ले लें, तब भी आपका जो मीटर है वो रन करेगा, क्योंकि इस मीटर की रीडिंग सिंगल वायर के ऊपर रहती है। तो दोस्तों अब ये नए मीटर पे बिजली की चोरी नहीं होती है, चूंकि तो दोस्तों पहले के दौर में बहुत बिजली की चोरी होती थी और कुंडे वगैरह चलते थे, इसलिए इस नए मीटर को डिज़ाइन किया गया है ताकि आप बिजली की चोरी ना कर सकें और आपकी जो रीडिंग है वो प्रॉपर तौर पर आ सके। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी हमारा न्यूट्रल और अर्थ सेम रहता है। हमने यहाँ पे न्यूट्रल को ब्रेक करके यहाँ से न्यूट्रल के कनेक्शन को खत्म करके डायरेक्ट इसे अर्थ से दिया, मगर हमारा जो मोटर है वो रन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल है वो हमारे अर्थ से कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों इस केस में भी आप देख सकते हैं हमारा जो न्यूट्रल है और अर्थ है वो दोनों ही सेम रहता है, बस इन दोनों का नाम अलग अलग है। वो इसलिए अलग है कि हम न्यूट्रल जो है हम डायरेक्ट हमारे मेन सोर्स से लेते हैं और अर्थ जो है हमारे जमीन से हमें मिलता है, और बाकी दोनों ही सेम होते हैं। हमारा जो पोल है उससे ही अर्थ को कनेक्ट किया हुआ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी कि न्यूट्रल और अर्थ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं या नहीं होते हैं, और दोनों सेम होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कि अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।